हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, रिया चक्रवर्ती पहुंच गई है ईडी के ऑफिस। उनसे होगी 3 फेजेस में पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, ना नुकर करने के बाद भी ईडी के ऑफिस पहुंची हैं रिया चक्रवर्ती। आपको बता दें कि 3 चरणों में उनसे अहम सवाल किए जाने वाले हैं। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह मामले में बयान देने के लिए ईडी पहुंच चुकी हैं और रिया के वकील की तरफ से बयान जारी करके मोहलत मांगी गई थी कि हालांकि ईडी ने अपने सख्त रवैये को दिखाते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया था। रिया के ना पहुंचने की कंडीशन पर उन पर केस भी दर्ज किया जा सकता था, इसके चलते उन्हें जाना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी रिया से 3 फेजेस में पूछताछ करने वाली है। सवालों की लंबी लिस्ट तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने FIR में पैसों के हेरफेर की बात की थी। रिया की 2018 और 19 की इनकम लगभग 14 लाख ही थी, जबकि उनकी 2 बड़ी प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं। ईडी को रिया पर शक है और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल में भी जांच होगी। रिया को 3 चरणों में सवालों के जवाब देने होंगे। ईडी ने सुशांत की एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को भी आज ही बुलाया है। इसके अलावा सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिथानी को भी 8 अगस्त को बुलाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी रिया से काफ़ी सख्ती से पेश आ सकती है। पहले चरण में वो रिया की पर्सनल डिटेल जैसे कि पिता का नाम, लोकल एड्रेस और परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी मांगेगी। वहीं दूसरे फेज में रिया के पैन कार्ड डिटेल्स, कंपनी का टिन नंबर, सोर्स ऑफ इनकम, रिटर्न की जानकारी, कंपनी में काम की डिटेल्स, कंपनी का टर्नओवर, बैंकों में कितने खाते हैं, कुल कितनी जायदाद, भाई का बिजनेस, पासपोर्ट की डिटेल्स जैसी कई चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। वहीं तीसरे फेज में रिया से सुशांत से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। बताया जा रहा है कि इनमें रिया के साथ सुशांत के रिलेशनशिप, सुशांत के परिवार के साथ रिश्ते और सुशांत के साथ बिजनेस जैसी चीज़ों के बारे में पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए ईडी से मोहलत मांगी थी। उनका कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी पेंडिंग है तब तक उनके बयान दर्ज किए जाएं। हालांकि ईडी की सख्ती के आगे रिया की नहीं चल पाई, उन्हें ईडी के ऑफिस हाजिर होना ही पड़ा। इस वीडियो में इतना ही।